पता है कि चंद्रयान 3 मिशन में शामिल प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा से इसरो और पृथ्वीवासियों के लिए क्या मैसेज भेजा है? जानेंगे तो आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। और अभी तक प्रज्ञान सिर्फ आधा दिन ही काम क्यों कर सका है? प्रज्ञान रोवर का क्या होगा 14 दिन के बाद? क्या 14 दिन बाद प्रज्ञान फिर से काम कर सकेगा? सिर्फ एक ही लूनर डे को क्यों काम कर सकेगा प्रज्ञान रोवर? इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चंद्रयान 3 मिशन में शामिल प्रज्ञान रोवर ने अपनी और विक्रम लैंडर की सेहत के बारे में जानकारी दी है, साथ ही पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का भी हालचाल लिया है। भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के साथ गए प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा से अपना हालचाल बताया और प्रज्ञान रोवर ने एक मैसेज भेजा है जिसमें उसने पृथ्वीवासियों का भी हालचाल लिया है। रोवर ने बताया है कि वह और उसका दोस्त विक्रम लैंडर एक दूसरे के संपर्क में हैं और दोनों की ही सेहत अच्छी है। इसी के साथ संदेश में यह भी कहा है कि जल्द ही सबसे अच्छा परिणाम आने वाला है। प्रज्ञान रोवर का मैसेज पोस्ट किया गया है, इसमें कहा गया है, हेलो पृथ्वीवासियों, मैं चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर बोल रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। और सभी को बताना चाहता हूँ, मैं चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने के अपने रास्ते पर हूँ और मेरा दोस्त विक्रम लैंडर, हम एक दूसरे के संपर्क में हैं और हमारी सेहत अच्छी है, सबसे अच्छा परिणाम जल्द आ रहा है। बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन की लाइफ एक चंद्र दिवस के बराबर आंकी गई है, जो कि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होती है, जिसे मून लूनर डे कहते हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 अब तक लगभग 7 दिन गुजार चुका है, जो कि मून लूनर डे का आधा दिन होता है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग बीते बुधवार शाम 6:04 पर कराई गई थी। इस दरमियान भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने लैंडर और रोवर की मदद से चंद्रमा के बारे में कई अहम जानकारियां जुटाई हैं। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ और श्रीकांत समेत कई भारतीय वैज्ञानिक पहले ही उम्मीद जता चुके हैं कि चंद्रयान 3 एक और चंद्र दिवस में भी काम कर सकता है। इसके लिए इसे चंद्रमा की रात के अत्यधिक ठंडे तापमान से बचे रहना होगा। जानकार बताते हैं कि सूरज ढलने पर चांद के कुछ हिस्सों में तापमान -2 से 3 डिग्री तक चला जाता है। तो दोस्तों, 14 दिन के बाद क्या प्रज्ञान रोवर फिर से काम कर सकेगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।